ओके, मेरा स्क्रीन जो है वो स्क्रीन शेयर हो गया। हम चले जाते हैं टोटल स्क्रिप्टिंग वाला पेज में। हम ये वाला ऑनलाइन ऑनलाइन सेल स्क्रिप्टर जो है, ऑनलाइन सेल कंपाइलर है, सेल एडिटर है, उस सेल को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम आज दिखाएंगे कैसे बीट वाइज ऑपरेटर्स को लेके हम काम करते हैं सेल स्क्रिप्ट में। तो मेरे पास जो बीट वाइज ऑपरेटर्स होता है वो क्या क्या होता है? वो मेरे पास होता है एंड ऑपरेटर्स, जो बीट वाइज एंड है, बीट वाइज एंड। गलती मत करना, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स होता है, वो लॉजिकल एंड ऑपरेटर इस तरह की होता है। बट वो दो एम्परसन्स होता है, बट यहाँ पे एक एम्परसन्स दिखा रहा है। एक एम्परसन मतलब हम बीट वाइज एंड करेंगे। मेरे पास बीट वाइज और ऑपरेटर्स होता है, बीट वाइज जोर ऑपरेटर्स होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स होता है। ये थोड़ा समझने की चीज है। एक होता है राइट, ये होता है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें कोई एक ऑपरेटर्स मतलब ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट तुम जब नॉर्मली कोई एक लिनक्स प्लेटफॉर्म में कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करके काम करोगे तो ये ऑपरेटर्स काम करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये ऑपरेटर्स, ये जो सेल ऑनलाइन सेल कंपाइलर्स है, ये सेल कंपाइलर्स में काम नहीं करता। और एक बार देख लेते काम करेगा तो अच्छा, नहीं करेगा तो वो ऑब्वियसली काम करेगा कोई कोई भी एक लिनक्स प्लेटफॉर्म में। सो मेरा मेरे पास इतना इतना ऑपरेटर्स होता है। ये ऑपरेटर्स को लेके हम बीट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं। तो बीट वाइज ऑपरेटर्स एक्चुअली क्या काम करते हैं? मेरा पास जो जो ऑपरेटर्स रहता है, पहले जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स था, वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स था और कंपैरिजन ऑपरेटर्स था, एक्चुअली क्या करते थे? हम जो डेटा सप्लाई करते उस डेटा के ऊपर, नॉर्मली हम डेसिमल में डेटा सप्लाई करते तो डेसिमल डेटा के ऊपर वो काम करता, काम करके वो जो रिजल्ट है रिजल्ट को शो करता, रिजल्ट को स्टोर करता। बट यहाँ पे हम जो बीटवाइज ऑपरेटर्स को बोलेंगे, बीटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, तो बीटवाइज ऑपरेटर्स एक्चुअली इंडिविजुअल बीट को लेकर काम करते। सपोज तुम कोई कोई डेटा दे रहा हो, डेटा डेसिमल में हो या कोई भी नंबर सिस्टम्स में हो, एक्चुअली बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करने के बाद जो बीट होता है, बीट के ऊपर ये ऑपरेटर्स काम करता है। सो सपोज हम चले जाते मेरा जो एंड ऑपरेटर्स है, एंड ऑपरेटर्स के बारे में। सपोज मेरा मेरे पास दो वेरिएबल्स है, हम दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते। सपोज एक वेरिएबल्स है, उसके अंदर चार एक फोर एक डेटा है और एक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते, उसके बाद से एट एक डेटा है। सो तुम बोल सकते हो 10 भी एक डेटा हो सकता है। ओके, 10 भी एक डेटा है। अब तुम चाहते हो कि मेरे पास ये जो ए एंड बी है, ये ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स एक्चुअली बाइनरी ऑपरेटर्स होता है। बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब कौन सा चीज बाइनरी ऑपरेटर्स होता है? ये चीज बाइनरी ऑपरेटर्स है। बट ये वाला जो तीनों राइट वाला जो तीनों ऑपरेटर्स है, ये तीनों ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स होता है। दैट मीन्स ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, बट यहाँ पे दो ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। ये तीनों वाला दो ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। जो भी हो, ऑपरेंड ऑपरेंड डेसिमल में हो, ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में हो, जो भी हो, एक्चुअली क्या करते हैं? बाइनरी जो बीट वाइज ऑपरेटर, वो बाइनरी बीट के ऊपर काम करते हैं। सपोज हमारे पास और एक वेरिएबल है सी बोल के, हम चाहते हैं कि ई और बी के ऊपर जो एंड ऑपरेशंस करे, एंड ऑपरेशंस करने के बाद वो सी के अंदर स्टोर करे। सो हम कैसे कर सकते हैं? हम इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? हम दिखाया था, हम चाहते हैं क्या ई का जो वेरिएबल्स है, ई का जो वैल्यू है, उसके साथ हम एंड ऑपरेशंस करना चाहते। हम उसके ऊपर एंड ऑपरेशंस करना चाहते डॉलर बी को लेके। सो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, बीट वाइज जो रिजल्ट आएगा, वो बीट वाइज रिजल्ट सी में स्टोर होगा। कैसे रिजल्ट आता है वो भी हम दिखाएंगे, बट पहले देख लेते हैं ये रन करता है कि नहीं। हम जाते चले जाते इको, उसके बाद हम बोल देते एंड ऑपरेशंस, एंड ऑपरेशंस। उसके बाद उसका जो रिजल्ट है, हम रिजल्ट कैसे दिखाएंगे? स्लैश सी से दिखाएंगे। सो उसके बाद हम दिखाएंगे, तो देख लेते हैं एक बार कंपाइलर कोई प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं। सो एक बात दिखा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे, डॉलर ए डॉलर बी में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये चीज हम थोड़ा बंद कर देते, देख लेते, थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम हो गया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 410 एंड ऑपरेटर्स का थोड़ा वैल्यू 410 दिखा रहे हैं। ओके, हम ये वाला जो 10 है ये थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते, थोड़ा छोटा। कैस क्या दिखा रहा है? दिख लेते, देखो ये 48 दिखा रहा है। ये तो अच्छा तरह से, माने ये एक्चुअली
स्ट्रिंग दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है, बट ये तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, ये तो रिजल्ट नहीं होगा। सो ये एक्चुअली क्या होगा, कुछ गलती है, कुछ गलत है ये इसमें, उसमें इसमें कुछ गलत है। थोड़ा बोल के बोलो, थोड़ा बोलो, इसमें कुछ गलती किया है ना हमने, हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया था यहाँ पे, एंड किया था, ये एंड वाला का काम कर रहे थे हम, बात यहाँ पे थोड़ा एरर दिखा रहा है, दिखा रहा है क्या, मेरा फोर सिंटेक्टिकल एरर दिखा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सिंटेक्टिकल एरर दिखा रहा है, एरर टोकन इन एट, कोई 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 एरर है, वो एरर एरर समझ में आ रहा है, आ रहा है तुम्हारा कोई एरर आ रहा है समझ में? हेलो हेलो, मैं लाइन में हूँ, हेलो हेलो, हाँ सर लाइन है, हाँ बोलो, এখানে কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো, এখানে এখানে রান এক্সিকিউট করছে না, এখানে কি কোনো প্রবলেম আছে? যাব বাবা, জাস্ট আমি দেখি না, এখানে প্রেজেন্টেশনে থোড়া প্রবলেম হয়ে গেছে, হ্যাং করে গেছে প্রেজেন্টেশনটা, একটুখানি দাঁড়াও। और मेरा प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, हेलो मेरा प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, यस। तो चले जाते यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, देखो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब हम कर रहा है ये रिकॉर्ड एरर दिखा रहा है, बट हम जब ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है, तब क्या दिखा रहा है, 4 on 8 को वो ऐड कर रहा है, दैट मीन्स वो 48 स्ट्रिंग के दिखा रहा है। अब तुम एक काम करो, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा के ये देखो, ये जब तुम काम करोगे क्या दिखा रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी जीरो दिखा रहा है, क्यों ए एंड बी क्यों जीरो दिखा रहा है? ओके, 8 को हम 10 कर लेते, 8 को हम 10 कर लेते, तो क्या दिखा रहा है देखो, ये दिखाएगा अभी भी जीरो दिखा रहा है, क्यों? सो देखो समझो, समझो हाँ, ये चीज समझो कैसे, सपोज मेरा मेरा ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू हमने 4 दिया, 4 का हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सपोज ये 4 का बाइनरी हम 5 डिजिट में करेंगे, सपोज हम अज्यूम कर लेते 5 डिजिट में करेंगे, तो 5 डिजिट में करेंगे तो क्या आएगा, 4100 ये वाला आता है, ये वाला आता है, राइट? सपोज यहाँ पे हम बी का वैल्यू दे दिया, हमने बी का वैल्यू से 10 दे दिया, 10 का वैल्यू क्या आता है, हम 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है, 4 बिट में दीजिए रिप्रेजेंट, ये 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 बिट में तो क्या आएगा, 0 1 0 1 0 1, राइट राइट। उसके ऊपर हम एंड ऑपरेशंस करेंगे तो क्या आएगा, एंड ऑपरेशन, तो देखो एंड ऑपरेशंस जब करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला सेक्शंस में 2 बिट, ये 2 बिट है, 2 बिट लेके हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशंस करेंगे तो 0 आएगा, ये वाला नहीं देख रहे हो, 0 1 करके हम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें भी देखो ये सॉरी 0 आ रहा है, ये में भी देखो 0 आ रहा है, ये में भी देखो 0 आ रहा है, ये में भी देखो 2 आ रहा है, दैट मींस क्या, ये टोटल वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू 0 है, इसलिए तुम्हारा वैल्यू दिखा रहा है 0। तुम सपोज ये 10 को 7 कर लो, देख लेते एक बार, 7 कर लेते, 7 करने के बाद हम जब प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, तब भी 0 दिखा रहा है, ओके। हम ये देख के 6 कर रहे हैं, 6 तो देखो क्या आ रहा है, ओके वो भी नहीं आ रहा है, सपोज हम ये को 4 कर रहे हैं, 4 कर रहा है, सपोज 4 कर रहा है, 4 भी दिखा रहा है, सर 7 को तो हमारा 4 दिखा रहा है, हम ये तो डॉलर तो सेवन करते 4 देखा चाहिए, तो बट यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा तुम कि आप এইটা ইউজ করছো না, আমি স্যার একটা আলাদা ওটা আমার এতে খুলে না, খালি রিডাইরেক্টিং রিডাইরেক্টিং, আমি একটা আলাদা কম্পাইলার ইউজ করছি, কোন ডলার দিয়ে রেখেছি স্যার। আচ্ছা কম্পাইলার, তাহলে তুমি একবার আমাকে পাঠাও, লিংকটা পাঠাও একবার মিটে, ইজি হ্যায় মানে ও সব কাজ করছে তো, ওখানে একবার দেখে নি,
ये वाला तो ओके एक बार देखो, फोर और सेवन करोगे तो आउटपुट क्या दिखा रहा है? फोर और सेवन करोगे तो आउटपुट क्या दिखा रहा है? हमारे सर ये चार देखा है, फोर देखा है। यस, ये देखो तुम जब सेवन करोगे तो तुम्हारा क्या दिखाएगा? देखो यहाँ पे जीरो जीरो वन 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 होगा, उसके बाद उसके ऊपर तुम जब एंड ऑपरेशंस करोगे तो एंड ऑपरेशंस मतलब क्या आएगा? देखो जीरो जीरो करके जीरो आ रहा है, ये जीरो जीरो करके जीरो आ रहा है, ये वन वन करके वन आ रहा है, वन जीरो करके जीरो आ रहा है, जीरो वन करके जीरो आ रहा है। दैट मीन्स ये तुम्हारा फोर का डेसिमल बाइनरी है, ये फोर का बाइनरी है, इसीलिए तुम्हारे देखा दिखा रहा है इसका आउटपुट है फोर, इसका आउटपुट दिखा रहा है फोर। थोड़ा तो नेट स्लो चल रहा है मेरा, कुछ क्या काम है। আমি স্যার আপনি যে লিংকটা দেন আমার এইরকম বিয়েই করতে থাকে, মানে বাফারিং হতে থাকে হতে থাকে খুলে না, আমি যে নিচে একটা ই করি ওটা আমি আপনি যে লিংকটা দিয়েছিলেন ওটা আমি ডাইরেক্ট এ থেকে করলাম, তাও বাফারিং কে করে না, এজন্য আমি তুমি এই লিংকটা আলাদা ইউজ করছো, তুমি এই লিংকটা ইউজ করছো তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে তাহলে আমরা এটাতে করে নিই, এটাতে ধরে নাও আমার কাছে কি রয়েছে, সে এ ইকুয়ালস টু মেরা দিয়ে আমি দিয়েছি চার, বি ইকুয়ালস টু আমি দিয়েছি ধরে নাও সাত, তাহলে আমি এখানে সি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি, সি এইখানে আমি ধরো নিয়েছি কিভাবে দেব এ এন্ড, এ এন্ড বি ঠিক আছে, স্পেস দিলাম আমি। হ্যাঁ বলো। আমি অ্যাঞ্জেল আগে ডলার রেখেছি তাও কি ঠিকঠাকই দেখাচ্ছে? আমি হ্যাঁ তাও তাও ঠিকঠাকই দেখানোর কথা, তাও ঠিকঠাকই দেখানোর কথা, ওখানে দেখাচ্ছিল না এর আগে ডলার বি হয়ে গেল। হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই, ডলার লাগালো কোনো অসুবিধা নেই। ধরো আমি এখানে দেখলাম এন্ড অপারেশন, এন্ড অপারেশন এখানে ধরে আমি দিলাম ডলার, বা এখানে মধ্যেও দিতে পারি ডলার সি, তাহলে ডলার সি যদি আমি এখান থেকে দিই রান করলে কি আউটপুট দেখাবে? দেখো নিচে নিচে রান কর রহা, নিচে নিচে চিজ রান কর রহা, দেখো মেরা যে এন্ড অপারেটরস কা ভ্যালু দিখা রহা হ্যায় চার, মেরা এন্ড অপারেটরস কা ভ্যালু দিখা রহা হ্যায় চার। সো এগেন হাম ইহাঁ পে ইয়ে চিজ কো হাম কপি কর লেতে, ইয়ে চিজ কো হাম কপি কর লেতে থে, হাম চাহতে কি ইসকা উপর অর অপারেশনস করে, इसके ऊपर जब और ऑपरेशंस करेंगे तो क्या होगा, बीट वाइज और ऑपरेशंस होगा। सो ये वाला चीज हम और ऑपरेट कर लेते, दैट मींस जब तक दोनों में से कोई भी दोनों में से दो ही जीरो ना मिल जाए तब तक क्या आएगा, बीट वाइज उसको और दिखाएगा, बीट वाइज उसको जीरो दिखाएगा, तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे दिखा रहा है तो रन करने के बाद दिखा रहा है, देखो मेरा जो एंड एंड चार दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है, और दिखा रहा है सेवन। एक बार देख लेते, एक बार दिख लेते क्या है, हम मेरे पास सपोज चार है ये सेवन है, मैं और ऑपरेशंस करना चाहता हूँ और, सो और ऑपरेशंस मतलब क्या है, ये जीरो 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 दिखा रहा है, ये जीरो जीरो उसके बाद जीरो दिखा रहा है, ये वन 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 दिखा रहा है, जीरो वन वन दिखा रहा है, जीरो वन वन दिखा रहा है, दैट मीन्स ये सेवन का बाइनरी नंबर है, इसीलिए ये जो चीज दिखा रहा है ये सेवन दिखा रहा है, दैट मीन्स वो बीट वाइज ऑपरेट कर रहा है, मेरा मेरा जो दो वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू है। बट जब हम ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहा है ये ऑपरेटर्स, ये टोटल डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो जो ऑपरेटर्स ईच एंड एवरी बीट के ऊपर काम कर रहा है और जो रिजल्ट है रिजल्ट को शो कर रहा है अगेन डेसिमल में, डेसिमल मतलब मेरा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। सो अगेन हम इसके ऊपर मेरे जोर ऑपरेशन परफॉर्म करो, सपोज इसके ऊपर हम जोर ऑपरेशन परफॉर्म करो तो क्या आएगा, ये वाला जोर ऑपरेशन होगा। हाँ बोलो। चैटटा कितने दिन दिले तो बड़ा होगा छोटे का कहते हैं, बस चैटटा कितने दिन। ओ चैटटा कैसे दिखता है? हाँ यस 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 दिव यस। ठीक है। हाँ सच है। सेटा ना है, सेटा। ओके सो ये जोर ऑपरेशन है, सो देखो इसके ऊपर जोर ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा, रन करेंगे हम ये चीज को, रन करेंगे, रन करने के बाद क्या आएगा, देखो आउटपुट क्या आएगा, देखो ये दो दो ऑपरेशन का तो आउटपुट दिखाएगा, तीसरा वाला भी दिखाएगा, एज और बी, हम एज और बी करेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअली एज और बी करेंगे तो मेरा जो इनपुट्स है ये ए बी सेम है। हम जोर ऑपरेशन मतलब क्या है, जब दोनों दोनों बीट एक है तब जीरो निकल के आ जाएगा, जब डिफरेंट है तब वन निकल के आ जाएगा, दैट मीन्स ये जीरो जीरो है तो जीरो आएगा, ये जीरो जीरो है तो ये जीरो आएगा, ये वन वन है, ये वन वन मतलब सेम है, जोर ऑपरेशंस में ये जीरो होता है,
जब हम 01 करेंगे तो 1 आएगा, जब 01 करेंगे तो 1 आएगा, दैट मींस ये 3 डेसिमल 3 का बाइनरी नंबर्स है। देखो मेरा जो आउटपुट दिखा रहा है जॉर में दिखा रहा है, देखो 3, दैट मींस ये जॉर ऑपरेशंस हो रहा है। उसके बाद हम चले जाते हैं कॉम्प्लीमेंट सेक्शंस में, कॉम्प्लीमेंट सेक्शंस में। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट एक यूनरी ऑपरेटर्स होता है। सो एक यूनरी ऑपरेटर्स के ऊपर वो हम काम करते हैं। सो कैसे काम होता है, सपोज हम चाहते हैं कि मेरा जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स को हम काम करेंगे। सो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स मेरा ये ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स है। हम चाहते हैं कि ए के ऊपर काम करे, ए के ऊपर तुम डॉलर ए भी दे सकते हो, डॉलर ए भी दे सकते हो। सपोज ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद हम इको करना चाहते, इको एक बार दे दे देख ले, दिख लेते कॉम्प्लीमेंट कैसे दे देते मेरा जो कॉम्प्लीमेंट है हम दे देते डॉलर ए करके, फिर से बाद डॉलर ए कर लेते, तब क्या आउटपुट दिखाएगा देखो। तो मेरा जो आउटपुट दिखा रहा है ये 4 ही दिखा रहा है, मेरा जो दिखा रहा है ये 4 ही दिखा रहा है। क्यों 4 दिखा रहा है, क्यों, कॉम्प्लीमेंट तो 4 नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तब क्या आएगा, तब इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो एक बार डॉलर देखिए यूज कर लेते, बट इसका कोई फायदा नहीं, डॉलर होगा तो सेम ही चीज ही आएगा, ये सेम चीज ही आने वाला है। बट हम क्या करेंगे, विभू कोई आइडिया है तो हम क्या करेंगे इसमें, कोई क्या करेंगे हम, बोलो कोई करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में 4 आ रहा है, 4 की आएगा, मेरा क्वेश्चन है 4 की आएगा। ओके हम एक बार काम कर लेते, ये सी को लेके ये कॉम्प्लीमेंट कर लेते, सी को यहाँ पे डाल देते, तो देखो क्या आ रहा है देखो अभी क्या आ रहा है, देखो सी का वैल्यू क्या आ रहा है। रिजल्ट नहीं दिखा रहा है अभी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, दिख पा रहा है, रुको एक बार दिख लेते। इक्वल टू 4 कर लेते, बी इक्वल टू 7 कर लेते, बी इक्वल टू 7 कर लेते। उसके बाद हम जॉर ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस करेंगे, किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस करेंगे, हम चाहते हैं कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस हो, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस हो। उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम सी में स्टोर करना चाहते, अब हम इको कर लेते, इको डॉलर सी को यूज कर लेते, तो उसके बाद क्या आउटपुट आएगा देखो -5 दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है -5, वो यूज नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे दिखा रहा है -5, ये -5 दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया, लॉस्ट कनेक्शन सर्वर दिखा रहा है, यहाँ पे कनेक्शन सर्वर लॉस्ट हो गया दिखा रहा है। ओके और एक बार ट्राई कर लेते, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है जो सी दिखा रहा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, ए है 4, बी है 7, हम जब ये काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इको जब कर रहा है कॉम्प्लीमेंट देने के बाद, दैट मीन्स ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सी के अंदर स्टोर है, सी का वैल्यू दिखा रहा है -5, वो कैसे हो रहा है, ये -5 दिखा रहा है, देखो ये -5 दिखा रहा है। माई क्वेश्चन इज -5 क्यों दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब क्या होता है वो बात में आने वाला है। हम वो क्या करेंगे, पहले ये चीज को कर लेते, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, नॉर्मल वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 1 0 1 1 ये वाला नंबर है, राइट, ये वाला नंबर है, देखो ये वाला नंबर है, तो राइट तो ये वाला नंबर है। बट ये वाला जो नंबर है, ये नंबर क्या है, ये नंबर लेफ्ट में 1 है, हमने बोला था लेफ्ट में 1 रहेगा, मतलब क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है,
लेफ्ट में वन रहेगा मतलब क्या, ये नेगेटिव नंबर्स है राइट बिबू? हाँ सर, यस नेगेटिव नंबर्स है। अब हमने बोला था मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, ये कंप्यूटर सिस्टम्स कोई भी नेगेटिव नंबर्स को टू कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करके हमारे पास आउटपुट दे देता है। बट हमने क्या किया, फोर को हमने कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरे पास ये नंबर आया, ये नंबर को वो हमने शो कर रहा है क्या, शो कर रहा है माइनस फाइव। तुम देखो ये की माइनस फाइव है, ये की माइनस फाइव है, ये माइनस फाइव नॉर्मली नहीं है वन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड में। जब तुम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स मतलब हमने क्या कर लेते, हमने नेगेटिव साइन बैठे देते, उसके बाद हम क्या करते, इस चीज का टूस कॉम्प्लीमेंट करते। इस चीज का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस चीज का हम टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, राइट साइड पे काम करेंगे तो क्या आएगा, वन उसके बाद जीरो, पहले वन राइट साइड से देखो, पहले वन उसके बाद क्या आएगा जीरो, उसके बाद वन उसके बाद जीरो उसके बाद जीरो। सो ये नंबर आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट में, ये टूस कॉम्प्लीमेंट में नंबर आ गया। तो इसका डिफरेंस क्या है सर, प्रथमटा लिखे देबो, তারপর वन होले चेंज करे देबो, जीरो होले হ্যাঁ আপনি যে সাথে বলেছেন একদম রাইট সাইড থেকে স্টার্ট করব, যেখানে যতক্ষণ না वन পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক রাখব, যেই वन পাবো অমনি সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করতে থাকব। তাহলে ফার্ম প্যালেস সে স্টার্ট কিয়া থা, রাইট সাইড সে স্টার্ট কিয়া থা, রাইট সাইড মে वन মিল গয়া, রাইট সাইড মে वन মিল গয়া। सो वन फिक्स रखेंगे, उसके बाद जो बीट है उस बीट को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला जीरो आएगा, ये वाला वन आएगा, ये वाला जीरो आएगा, ये वाला जीरो आएगा। सो ये वाला आ गया, तो ये वाला फाइव का डेसिमल है, फाइव का बाइनरी है। सो मेरा नेगेटिव नंबर था इसीलिए नंबर दिखा रहा है माइनस फाइव, सो माइनस फाइव यहाँ पे दिखा रहा है। दैट मीन्स तुम्हारा जो मशीन्स है, ये तुम्हारा मशीन टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड्स फॉलो कर रहा है, तुम वन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वन कॉम्प्लीमेंट को भी वो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड्स में दिखा रहा है। तुम ए को बी करो, अगेन तुम ए को बी करो, तो बी करने के बाद रिजल्ट सोचो, बी करने के बाद रिजल्ट आंसर दो क्या आएगा। तुम यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी करो, यहाँ पे भी बी कर लो, बी करने के बाद तुम एग्जीक्यूट कर दो, क्या रिजल्ट आएगा देखो, रिजल्ट दिखा रहा है माइनस एट। तुम सेवन का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो आउटपुट दिखा रहा है तुम्हारे पास माइनस एट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, सेम चीज है, सेम चीज है। यहाँ पे चले जाओ, हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बी को, बी को जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब क्या, वन जीरो वन हो जाएगा, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी जीरो 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 हो गया, ये मेरा हो गया, ये सी के अंदर है, ये चीज सी के अंदर है, मैंने सी के अंदर ये चीज स्टोर किया। सो सी के अंदर जो नंबर्स है ये एक बाइनरी नंबर्स है, बट ये नेगेटिव नंबर्स है, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट एमएसबी पार्ट है, ये एमएसबी पार्ट वन दिखा रहा है, दैट मींस नेगेटिव नंबर्स है। जब तुमको ये नंबर्स दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा, वो टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। दैट मीन्स मेरा जो नंबर्स है ये नंबर्स तो नेगेटिव है, दैट मीन्स ये नंबर्स नेगेटिव है, फुल प्रूफ नेगेटिव है। बट जब ये नंबर्स तुमको दिखाएगा ये टूस कॉम्प्लीमेंट में दिखाएगा, दैट मीन्स टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम राइट साइड से जा रहा है, राइट साइड से। सो राइट साइड में पहले जीरो 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 है, सो जीरो 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 हम बैठे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वन है, उसके बाद देखो ये वाला वन है, उसके बाद क्या है, चेंज करूंगा, जब तक वन ना मिलेगा तब तक फिक्स्ड है, वन मिल गया तो क्या होगा, वन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट मींस वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा। तुम देखो ये जो चीज हमने बनाया, ये देखो एट का बाइनरी है, एट का बाइनरी। सो एट का बाइनरी नेगेटिव फॉर्म में है, दैट्स व्हाई मेरा जो रिजल्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है माइनस एट, देखो यहाँ पे दिखा रहा है माइनस एट। तो दैट्स व्हाई हम लोगों का जो सिस्टम्स है वो सिस्टम्स कौन सा रिप्रेजेंटेशंस फॉलो कर रहा है, मेरा जो सिस्टम्स है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस फॉलो कर रहा है, तुम्हारा भी टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस फॉलो कर रहा है, क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंटेशंस जो है उसका एडवांटेजेस हमने बोला था, वो फ्लेक्सिबल से जीरो का जो प्रॉब्लम्स था वो जीरो का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। ठीक है क्लियर है, ये वाला चीज क्लियर है, ओके। सो हम चले जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो हमने जोर पार्ट बोल दिया, एंड पार्ट बोल दिया, और पार्ट बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट पार्ट भी बोल दिया, ओके। अब हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या, मेरा जो शिफ्ट वाला चीज है, हमने
और दो ऑपरेटर दिखाया था, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, ये वाला जो ऑपरेटर सामने दिखा रहा है, ये वाला जो दिखा रहा है ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, और ये वाला जो ऑपरेटर होता है वो राइट शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट मतलब मेरा एक बीट लेफ्ट से शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट से एक सॉरी ये एक एक बीट लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या है, राइट साइड से एक एक बीट लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड से कोई एक बीट लेफ्ट से लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, और जो राइट शिफ्ट है ये वाला राइट शिफ्ट राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है मतलब लेफ्ट वाला कोई बीट राइट में जा रहा है, लेफ्ट वाला कोई बीट राइट में जा रहा है, ओके, लेफ्ट वाला कोई बीट मेरा राइट में जा रहा है, क्लियर क्लियर। सो चले जाते हमारा मेरा मेन जो फंक्शन है उसमें चले जाते। सो कैसे कर लेते हम, अगेन हम सी इक्वल्स टू कर लेते, सी इक्वल्स टू कर लेते, हम डॉलर साइन दे लेते, उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों ब्रैकेट लगाएंगे, हम चाहते हैं क्या मेरा जो सपोज ए है, ए और डॉलर है जो भी है उसको हम दो बीट ये एक बीट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, एक बीट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स मेरा ए का जो वैल्यू है फोर है, समझो यहाँ पे चले जाओ, मेरा ए का जो वैल्यू है ये फोर है, हम एक बीट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट मतलब हम क्या करेंगे ए को हम एक बीट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो क्या आएगा मेरा जो मेरा रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ये वन वाला पोजिशन यहाँ पे चले जाएगा, ये जीरो वाला पोजिशन यहाँ पे चले जाएगा, ये जीरो वाला पोजिशन यहाँ पे चले जाएगा, दैट मीन्स लेफ्ट वाला जो बीट था वो डिस्कार्ड हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट में बीट को प्रोपागेट कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में बीट को शिफ्ट कर रहे हैं, वन शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जीरो वाला सेक्शन जो है ये जीरो वाला सेक्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ये जीरो वाला सेक्शन यहाँ पे चले आएगा, सो क्या आएगा पहले जीरो आ जाएगा, उसके बाद ये वन वाला सेक्शन यहाँ पे चले आ जाएगा, दैट मीन्स ये वन आ जाएगा, ये जीरो वाला यहाँ पे चले आएगा, ये जीरो आंसर देगा कि हैं आंसर एक ही देगा उचित तौर पे, हैं देखो देखो ये जीरो वाला कहाँ पे चले, ये जीरो वाला यहाँ पे चले आ रहे और एक्स्ट्रा और एक जीरो पड़ रहा है, दैट मीन्स मेरा आउटपुट आ रहा है एट, सो एक बार देख लेते हैं मेरा आउटपुट एट दिखा रहा है कि नहीं, सो हम एक बार इको कर लेते हैं, इको इको कर लेते, इको करने के बाद डॉलर 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 सी कर लेते, इको करने के बाद डॉलर सी कर लेते तो रन कर लेते, तो देखो क्या दिखा रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, देखो एक बार, कोई एक शिफ्ट काम नहीं कर रहा था, एक बार काम करके देखो भी काम कर रहा है क्या नहीं, मैंने इखाने भी एक बार ट्राई कर लेते, हम चाहते हैं कि ये जो शिफ्ट है ये ए के ऊपर हम काम करेंगे, ए के ऊपर हम काम करेंगे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो हम एग्जीक्यूट कर लेते एक बार, तो दिखा रहा है देखो एट दिखा रहा है, यहाँ पे एट दिखा रहा है, विभू ने बोला एट दिखाएगा, ओके यहाँ पे कनेक्शन लॉस्ट हो गया अगेन, हमने एक बार ट्राई किया और एक बार ट्राई किया देख लेते, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट दिखा रहा है सी, दैट मीन्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है मतलब एट दिखा रहा है, हम बी के ऊपर एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, बी के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो बी के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मेरा 14 दिखा रहा है, क्यों हम मेरा बी क्या है, मेरा बी है यहाँ पे बी है सेवन, हम बी के ऊपर चाहते क्या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, हम बी के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे मतलब क्या आएगा एक एक बिट शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये जीरो आएगा, ये वन 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 आएगा, ये वाला जीरो आएगा, ये वाला जीरो आएगा, ये वन 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 आएगा, ये जीरो आएगा, दैट मीन्स ये कितना कितना नंबर है, तुम ये डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 14 आएगा, राइट ये डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 14 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट काम कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट काम कर रहा है, देखो 14 आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट काम कर रहा है, यहाँ पे अभी तक दिखा नहीं रहा, विभू का आंसर मिला, विभू का आंसर मिला, हमारे सर्वर का प्रॉब्लम हो चुका है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 14 दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, ओके थोड़ा बाद में यूज करेंगे हम, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा है हम 14 दिखा रहा है, यहाँ पे 14 दिखा रहा है मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, अगेन हम ये चीज को हम राइट शिफ्ट करेंगे, राइट वाला शिफ्ट यहाँ पे काम नहीं होता, मैंने कल दिखा ये काम नहीं हो रहा था राइट शिफ्ट, बट राइट शिफ्ट मतलब क्या है, राइट शिफ्ट का मतलब है हम जब यहाँ पे ए को लेके राइट शिफ्ट करेंगे
तब क्या आएगा, तब जो वैल्यू आएगा वो ये चीज होना है, मेरा जो ए है, मेरा जो ए है ये होता है। उसके बाद हम जो राइट शिफ्ट वन करेंगे दैट मीन्स वन वाला चीज राइट में चले जाएगा। सो अगेन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, जीरो 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 आएगा, उसके बाद वन जीरो आएगा। तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो दो होने वाला है, दो होना चाहिए, वो दो होना चाहिए, बट यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे जीरो ही दिखा रहा है, यहाँ पे ये ऑपरेटर्स काम नहीं कर रहा है। तुम कोई भी दो, ये बी को दो, ए को दो, जो भी दो, ये जीरो ही दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये ऑपरेटर्स काम नहीं कर रहा है। बट ये ऑपरेटर्स का मतलब है तुम कोई एक बीट को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो, राइट में शिफ्ट कर रहे हो, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट को राइट में शिफ्ट कर रहे हो। सो ये ऑपरेटर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बट तुम कोई भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद तुम ओपन करोगे तो ये काम होगा। सो ये एक्चुअली बीट वाइज ऑपरेटर्स होता है। बीट वाइज ऑपरेटर्स का काम है बीट बाय बीट उसके ऊपर ऑपरेट करना। तुम जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो उस ऑपरेटर्स के हिसाब से बीट बाय बीट काम करेगा। काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट शो करेगा। सो ये होता है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर सेल स्क्रिप्ट में भी काम करते हैं। सो जो जो ऑपरेटर्स था मेनली, जो जो ऑपरेटर्स लेके हम काम करेंगे यहाँ पे वो हमने दिखा दिया। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट था, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, हर तरीके कंपैरिजन हम कंपैरिजन ऑपरेटर से कर सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक हम क्यूमुलेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। और कोई बीट वाला चीज लेके हम काम करना चाहते तो हम ये बीट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। सो ये है ऑपरेटर्स वाला चीज जो सेल स्क्रिप्ट में हम फ्रीक्वेंटली यूज करते थे करते हैं। अब हम चले जाते हैं मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है तो बोलो। सुदीप, तो शुभदीप, ऋतुव्रत, तो किसी का कोई डाउट है तो बोलो। ओके, सो हम चले जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज होता है, सपोज तुम एक प्रोग्राम चलाना चाहते हो, प्रोग्राम में एक चीज आने वाला है, एक पॉइंट आने वाला है, जो पॉइंट में तुम डिसाइड करोगे कौन सा पाथ और कौन सा वे चूज करना है। सो जिस पॉइंट ऑफ सेक्शन में तुम ये डिसाइड करोगे कहाँ पे जाना है, कौन सा स्टेटमेंट रन करना है, उस पॉइंट में तुमको एक स्टेटमेंट देना होगा। दिस पॉइंट, दिस सेक्शन में और दिस स्टेटमेंट को तुम बोल सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट। हम लोग जब नॉर्मली एक चीज कर रहे थे अभी तक जो हमने कराया था वो क्या है, नॉर्मल चीज है। हम वन बाय वन जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो मेरा रिजल्ट मिल रहा था। मेरे पास कोई डिसीजन लेने का टाइम नहीं था, डिसीजन लेने का कोई तरीका नहीं था अभी, और कोई स्कोप नहीं था। बट हम, मेरा जो सेल स्क्रिप्ट है वो सेल स्क्रिप्ट में हम चाहे तो कोई डिसीजंस भी ले सकते। दैट मीन्स कोई डिसीशंस लेने के लिए तुम्हारे पास कोई स्टेटमेंट होना जरूरी है, उसको हम कंडीशन स्टेटमेंट बोलेंगे। दैट मीन्स कोई एक कंडीशंस अपियर करेगा तो तुम एक पाथ में जाओगे, वो कंडीशंस फेल करेगा, दूसरा कोई कंडीशंस है वो फॉलो करोगे तो दूसरा पाथ में जाओगे, वो नहीं हो रहा है तो तीसरा कोई कंडीशंस है वो फॉलो कर रहा है तो तीसरा कोई वे में जाओगे। दैट मीन्स तुम्हारे पास डिसीजन लेने का तरीका है, वो डिसीजन लेने का तरीका तुम कंडीशनल स्टेटमेंट से ही कर सकते हो। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को करने के लिए मेरे पास जो स्टेटमेंट है उसको बोलते इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट। दैट मीन्स हम लोग आज जो चीज सीखेंगे, बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। एक है नॉर्मल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, दूसरा वाला हम सीखेंगे इफ एल स्टेटमेंट क्या होता है, दूसरे वाला हम सीखेंगे नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट बोल के क्या होता है, नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट बोल के क्या होता है, और चौथा वाला है वो सीखेंगे
else if ladder statement, else if ladder, ये चारों स्टेटमेंट हम सीखेंगे। ये चारों स्टेटमेंट से हम कोई एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दैट मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो ये चारों स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेल्स स्क्रिप्ट में ये चारों स्टेटमेंट का यूज होता है, यूज होता है, ठीक है। सो हम पहले देख लेते हैं हम इफ स्टेटमेंट को कैसे लिख लेते हैं। वेरी इजी है, इफ स्टेटमेंट को हम इस तरह से कैसे लिख लेते हैं, जस्ट थोड़ा सिंटैक्टिकल फर्क है। जिसके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज है वो इजी काम कर सकते, सेम चीज ही है, थोड़ा सिंटैक्टिकल डिफरेंस है, सिंटैक्टिकल डिफरेंस जस्ट समझ लो। बट जो फ्लेवर इफ एल्स स्टेटमेंट का जो फ्लेवर है वो एक ही है, वो एक तरह से ही होगा। सो हम देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट मतलब हम कोई कंडीशंस देना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या, ये हो, ये कंडीशंस हो तो हम ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो तो हम ये काम करेंगे। सो इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। दैट मीन्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। वो कैसे यूज कर लेते, जो जनरल सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स हम बोल रहे हैं, जनरल जो सिंटैक्स है वो क्या बोल रहा है, इफ के बाद हम ये थर्ड ब्रैकेट देंगे, उसके बाद सिंटैक्स बोल रहे हैं, हम सिंटैक्स बोल रहे हैं, उसके बाद कंडीशन होगा। कंडीशन हम यूज करेंगे, कितने टाइप का कंडीशंस होता है, हम ग्रेटर देन से कंडीशंस ले सकते, लेस देन से ले सकते, ग्रेटर इक्वल्स टू से ले सकते, लेस इक्वल्स टू से ले सकते, इक्वल्स टू इक्वल्स टू से ले सकते, नॉट इक्वल्स टू से ले सकते। कोई भी एक जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स, हमने जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हमने बोला था, वो कंडीशनल ऑपरेटर्स लेके तुम इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। उसके बाद तुमको क्या देना होगा, जो मैंने सिंटैक्स बोल रहा है, मेरे सिंटैक्स बोल रहा है, ये सिंटैक्स चलेगा नहीं, ये नॉर्मल, ये इस तरीके से तुम लिखोगे तो चलेगा नहीं, ये सिंटैक्स बोल रहे हैं हम इफ कंडीशंस। उसके बाद देन, उसके बाद जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ये लिख लो, ये वाला चीज लिख लो, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स लिखने के बाद ये इफ को कॉम्प्लीट करना होगा। कॉम्प्लीट मतलब ये फाइ से होता है। दैट मीन्स इस तरीके से हम कोई एक इफ स्टेटमेंट को लिख सकते। ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स तुम लिख लो, ये सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। अब हम दिखाएंगे हम कैसे एग्जाम्पल से काम करेंगे। ये सिंटैक्स लिख लो। सो पहले सपोज हम चले जाते हैं, मेरे पास दो वेरिएबल्स है, उल्टा लिख दो, इफ को उल्टा लिख दो, इफ को उल्टा लिख दो, एफ आई, एफ आई, ठीक है। सपोज मेरे पास a इक्वल्स टू 3 है एंड b इक्वल्स टू 8 है। सो हम चाहते क्या, हम एक कंडीशन चेक करना चाहते क्या, इफ a लेस देन b तब हम कोई एक स्टेटमेंट लिखेंगे। दैट मीन्स ये कंडीशंस के अंदर हम कोई एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेरा कंडीशंस वाला चीज लिखेंगे। कंडीशंस क्या है, हम चाहते क्या, मेरा जो डॉलर a है, ये डॉलर a की लेस देन, दैट मीन्स लेस देन हम कैसे लिखेंगे, lt इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने दिखाया था, पहले दिखाया था, ये चीज दिखाया था ऑपरेटर्स वाला चीज में, lt डॉलर b, हम लिखेंगे कि डॉलर ए की लेस देन डॉलर बी जब होगा तो मेरा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखना चाहते, हम चाहते कि ओके है जो है हम ए एंड बी का ऐड करेंगे। हम चाहते क्या, जब ए लेस देन बी होगा तब ए एंड बी का ऐड करेंगे। सो क्या होगा, मेरा जो सी है, सी के अंदर हम ए एंड बी का रिजल्ट लिख देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, डॉलर ए करके डॉलर बी करके उसके अंदर मेरा रिजल्ट लिख देंगे और इको कर देंगे सी को, इको कर देंगे डॉलर सी को, हम ये चीज चाहते हैं। सो क्या होगा, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो दिखा रहा है 11, क्या रहा 11 दिखा रहा है, ए लेस देन बी, दैट मींस मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब उसके अंदर जो जो काम है वो काम हम करेंगे। That means क्या होगा, A और B को add करेंगे, that means 8 + 3 = 11 होगा, 11 C के अंदर store होगा, वो C को हम display करेंगे, तो C display होके 11 दिखा रहा है। But ये conditions जब false होगा, that means हम less than से हम कर लेते greater than, that means ये वाला statement false है। तो false मतलब क्या है, ये काम नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं दिखाएगा। That means तब तुम्हारे पास एक ही path था, एक ही way था, satisfy करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा,
सेटिस्फाई ना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो तुम सपोज ये चीज सोच रहे हो तो क्या होगा, तुम एग्जीक्यूट करोगे तो क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे ट्रू होने के बाद जो रिजल्ट है वो बोला था, बट फॉल्स होने के लिए जो रिजल्ट है वो नहीं बोला था। दैट मीन्स तुम्हारे पास ओनली एक ही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट था, तुम ये करोगे तो पास होगा बस, दूसरे तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल होगा, क्या होगा सप्लीमेंटरी होगा, क्या दूसरा टाइम एग्जाम होगा, स्पेशल एग्जाम होगा, वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं हमने बोला, जस्ट बोला तुम ये चीज पढ़ोगे तो पास होगा। सो मेरे पास एक डिसीजन आया जो हो गए है, पढ़ना है, पढ़ोगे तो पास होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, वो हमें अभी कुछ नहीं बताया। सो हम चाहते कि ये भी बता दे। सो ये बता देने के लिए हमारे पास क्या आएगा, अब आ जाएगा इफ एल स्टेटमेंट वाला चीज। अब हम इफ एल स्टेटमेंट वाला चीज यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, सो हम बोला था इफ जब करेंगे तो इफ होने के बाद सपोज यहाँ पे हम लेस देन दे देते, जब हम लेस देन होगा तो ये काम होगा, जब ये लेस देन नहीं होगा, जब ये लेस देन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई दूसरा काम होगा। दूसरा काम कैसे लिखेंगे, एल्स से लिखेंगे। उसके बाद दूसरे काम कैसे होगा, सपोज हम चाहते क्या, तब ए लेस देन बी होगा तब क्या होगा, एडिशंस होगा। अदरवाइज हम स्टार्ट किया जब उल्टा होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना नहीं करेगा तब ये सब्सट्रैक्शंस हो, दैट मींस ये वाला सब्सट्रैक्शंस हो। सो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इको कर लेते, इको कर लेते डॉलर सी को इको कर लेते, तो क्या आएगा, यहाँ पे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है A3B8, दैट मीन्स ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हारे पास 11 आ रहा है, वेरी गुड, तुम्हारे पास 11 आ रहा है। बट हम A को 8 कर लेते, सपोज मेरे पास A का वैल्यू 8 आ गया और B का वैल्यू 3 आ गया, दैट मीन्स क्या, पहला जो डॉलर ए है, डॉलर ए नॉट लेस देन बी, दैट मीन्स डॉलर 3, दैट मीन्स 8 नॉट लेस देन 3, ये जो चीज है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स 8 लेस देन 3, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहले टाइम क्या होता, पहले हम एल स्टेटमेंट नहीं रहते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका ले उसके लिए जो काम है वो हमने डिफाइन नहीं किया है। बट यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, क्या है, जब यहाँ ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तुम एल्स पार्ट में चले आओगे, एल्स पार्ट में आने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स मेरे पास 8-3, दैट मीन्स 5 दिखाएगा, रिजल्ट क्या दिखाएगा, अभी 5 दिखाएगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 5, दैट मीन्स हमने बोला तुम पढ़ोगे तो पास होगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल होगा, और कुछ नहीं, नहीं बोला जब फेल होगा तो उसके बाद तुम सप्लीमेंटरी दे पाओगे और स्पेशल एग्जामिनेशन दे पाओगे, और कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला, हमने बोला तुम पढ़ोगे तो पास होगा, दैट मीन्स पढ़ोगे तो पास होगा, मतलब ये मेरा कंडीशन है, कंडीशन क्या है, हम पढ़ेंगे तो पास होगा, दैट मीन्स पास होगा मतलब ये पास होगा, ये चीज में आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो कहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे चले आएंगे, हम फेल हो जाएंगे। सो ये जो चीज होता है ये ई फेल स्टेटमेंट होता है, दैट मीन्स हम जाने का तैयार कर रहे, जा रहे थे कुछ रास्ता कवर करने के बाद मेरे पास एक जंक्शन आया, एक जंक्शन से दो रास्ता जा रहा है, हमको डिसाइड करना है हमको क्या करना है, कौन सा रास्ता में जाना है, हम कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम इस रास्ते पे जा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे तो दूसरे रास्ते पे आ जाएंगे। दैट मीन्स मेरे पास जाने के लिए जाने टाइम के जाने समय जब जा रहा है हम तब उस टाइम के मेरे पास दो वे था, वे भी एक वे हम चूज कर पाएंगे, मेरा जो मेन वे है उसमें एक कंडीशंस है, कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगे तो हम उस वे में चले जाएंगे, नहीं है तो हम दूसरा वे में चले जाएंगे। दैट मींस ये डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा वे में जाओगे, ये डिसीजंस, दैट मींस ये कंडीशंस रहता है, ये कंडीशंस हम इफ स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं, और इफ स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। बोलो कोई डाउट है तो बोलो। सुना, प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो दिखाओ। सईद मनीष कंप्लीट, ओके मनीष, ओके प्रॉब्लम दिखाओ। हाँ मेरा जो प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर रहा है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन को दिखाओ।
हाँ क्या दिखा रहा है, देखो a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 5 इफ ना, वो जो थर्ड ब्रैकेट के बाद स्पेस दो, थर्ड ब्रैकेट के बाद स्पेस दो, मनीष थर्ड ब्रैकेट के बाद स्पेस होगा, वो पे नहीं, वो पे नहीं, हाँ वो पे है, स्पेस दो, इसके पास भी स्पेस दो। ओके ओके और और जो प्लस है ना, प्लस है यहाँ पे जो डेन के नीचे जो प्लस है डॉलर ए, उस पास जो स्पेस है उस स्पेस उठा दो, स्पेस उठा दो, वो वाला स्पेस उठा दो। हाँ अभी चलो, दिखा रहा है, ठीक दिखा रहा है। ओके सर, एफ आई क्या है सर? है ऐसा ही है, एफ आई का मतलब? एफ आई का मतलब इफ का उल्टा, दैट मीन्स हम जब सी और सी प्लस प्लस में काम करते क्या होता, इफ स्टेटमेंट के बाद हम एक ब्रैकेट दे देते ना मनीष, इफ स्टेटमेंट के बाद? हाँ इफ स्टेटमेंट के बाद हम ब्रैकेट दे देते, उसके बाद हम बहुत सारा स्टेटमेंट लिखते, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते, दैट मीन्स ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज के अंदर हम इफ स्टेटमेंट लिखते, राइट। सो ये ओके जो ओके ओपन ब्रैकेट है और जो क्लोज ब्रैकेट है, ये यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कुछ नहीं है, हम फाइल लिख रहे हैं, मतलब क्या, मेरा जो इफ स्टेटमेंट है वो वहां पे कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है, इसको समझने के लिए फाइल हो रहा है, ये सिंटैक्स है मनीष, ओके ये सिंटैक्स है। और किसी का कोई प्रॉब्लम, सुदीप तो और शुभोदीप, स्क्रीन शेयर करिए आप। हाँ हम स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। दैट मीन्स हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं हम कौन सा कितने नंबर ऑफ पार्ट डिफाइन करना चाहते, सब डिफाइन जब करेंगे तब क्या होगा, मेरे पास इस तरीके से इफ एल स्टेटमेंट्स आएंगे। अब हम चाहते हैं क्या, हम कोई नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट। सो नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट कैसे होता है वो हम पहले दिखा देते, हम पहले सिंटैक्स दिखा देते कैसे होता है। सपोज इफ लिख लेते हैं, इसमें इसमें हम एक कंडीशंस दे देते, एक कंडीशंस रहेगा, ये वाला कंडीशंस वन होगा, ये वाला कंडीशंस वन होगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम देन हो सकता है, देन लिख के बाद मेरा कोई स्टेटमेंट होगा, कोई एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट से स्टेटमेंट वन होगा, उसके बाद ये खत्म होने के बाद, ये खत्म होने के बाद हम कोई एल स्टेटमेंट लिख सकते हैं नॉर्मली, बट हम चाहते हैं क्या, ई होने के बाद मेरे पास और एक इफ स्टेटमेंट आ जाए, और एक इफ स्टेटमेंट आ जाए। सपोज मेरे पास चाहते हैं कि इफ मेरा जो कंडीशन है, कंडीशंस टू करके एक ने कंडीशंस दे दिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि मेरा जो देन है, ये स्टेटमेंट वन जो है, ये स्टेटमेंट इसके अंदर है, सपोज इसके अंदर है, ये कंप्लीट नहीं होगा तो हम चाहते हैं क्या, एल स्टेटमेंट हो जाए, एल स्टेटमेंट, उसके लिए और एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट टू वाला। उसके बाद ये जो पहला वाला इफ है, इस पहला वाला इफ को हम कंप्लीट कर लेते, फाइव दे देते, उसके बाद हम बाहर वाला इफ में चले जाते, बाहर वाला इफ में क्या लेंगे, अब एल्स देंगे, एल्स देखने के बाद हम क्या लेंगे, एल्स देखने के बाद लिखने के बाद हम अगेन इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, इफ लिखने के बाद हम मेरे पास और एक कंडीशन आएगा थ्री वाला, ये जब सेटिस्फाई होगा तो क्या आएगा, हम इसमें देन लिखेंगे, तो मेरा जो स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट थ्री है, जब कंप्लीट वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या आएगा, एल्स में चले आएंगे, वो ये स्टेटमेंट फोर आएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आएगा, ये फाइव वाला आ जाएगा, और ये वाला दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तो फाइव आ जाएगा। तो ये मेरा एक्चुअली नेस्टेड इफ एल्स का
जेनरल स्ट्रक्चर है, जेनरल सिंटैक्स है। दैट मीन्स इफ कोई एक कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, देखो कोई एक कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होगा तो क्या आएगा, दूसरा कंडीशन चेक होगा, दूसरा कंडीशन चेक होगा, सेटिस्फाई करेंगे तो स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। बट ये कंडीशन टू स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन टू है वो फॉल्स होगा तो क्या आएगा, ये इफ के अंदर जो एल्स वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। बट इफ मेरा बाहर वाला जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या आएगा, डायरेक्ट एल्स पार्ट में चले आएंगे, डायरेक्ट एल्स पार्ट में चले आएंगे। एल्स के अंदर अगेन मेरे पास इफ स्टेटमेंट है, एल्स के आने के बाद मेरे पास और एक कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दैट मींस ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा एज वेल एज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये कंडीशन ये एल्स वाला पार्ट कब चलेगा, ये एल्स वाला पार्ट चलेगा पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बट दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और नीचे वाला एल्स कब हो रहा है, जब पहला वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दूसरा वाला ये वाला कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब ये नीचे वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। सो इस तरीके से हम एक नेस्टेड इफ एल्स, दैट मींस इफ के अंदर और इफ एल्स और एल्स के अंदर इफ एल्स हम बना सकते हैं, इसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। सो नेस्टेड इफ एल्स से भी हम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर है, समझ आ रहा है, ये स्ट्रक्चर वाला चीज समझ में आया, ये स्ट्रक्चर वाला चीज समझ में आया। यस सर। मनीष का आया और किसी का आया, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट, सुदीप तो शुभदीप हाँ सर कोई डाउट नहीं। ओके सो हम चाहते हैं क्या, मेरा जो काम है वो काम हम करना चाहते हैं, क्या करेंगे, हम चाहते हैं क्या, हम चाहते एक चीज दे देते, सपोज मेरे पास सी एक वेरिएबल है, सपोज सी नहीं, सपोज हम एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते डी, डी इक्वल्स टू हम बोल देते क्या, डी बोल देते फाइव, सपोज डी बोल देते फाइव, ओके, और हम बोल देते और एक चीज बोल देते ई बोल देते हम टेन, सपोज हमने ये चारों वेरिएबल ले लिया। अब हम चाहते क्या, ये चीज हम यहाँ पे लिखे, ये एग्जाम्पल में हम दिखाएंगे कोई प्रोग्राम कैसे होता है। सपोज हम चाहते कंडीशंस ले लेते, क्या कंडीशंस ले लेते, सपोज हम चाहते क्या, सो हम चाहते ये वाला फोर कर लेते, चलो सपोज हम ये कंडीशंस देना चाहते, जब जब ए का वैल्यू हम चाहते क्या, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन फाइव है, ग्रेटर देन हम कैसे लिखेंगे, ए का वैल्यू हम जीटी से लिखेंगे, ग्रेटर देन फाइव है, जब डॉलर ए का वैल्यू, जब डॉलर ए का वैल्यू ग्रेटर देन फाइव है, देखो जब डॉलर ए का वैल्यू ग्रेटर देन फाइव है तब हम एक कंडीशन से यहाँ पे दिखेंगे, एक कंडीशन हम यहाँ पे चेक करना चाहते, हम चाहते ए का वैल्यू ग्रेटर देन फाइव है, जब ये फाइव है तब हम ये कंडीशन चेक करना चाहते, मेरा जो v का वैल्यू है, मेरा जो v का वैल्यू है दैट मीन्स डॉलर v जो है ये की इक्वल्स टू फाइव है जब ये दोनों काम दोनों चीज सेटिस्फाई करेगा तब हम यहाँ पे चाहेंगे क्या, मेरा जो रिजल्ट आएगा c बोल के जो रिजल्ट आएगा वो सी रिजल्ट हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तब हम चाहते हैं क्या, ये चीज एडिशंस करेंगे, क्या एडिशंस करेंगे, डॉलर ए प्लस डॉलर बी, ये चीज हम करेंगे, उसके बाद जो इको डॉलर सी का हम रिजल्ट दिखाएंगे। बट ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन फाइव होगा बट बी का वैल्यू फाइव नहीं है, बी का वैल्यू इक्वल्स टू फाइव नहीं है, कोई दूसरा चीज है, तब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं क्या ई और बी ए दोनों को लेके हम सब्सट्रैक्ट करेंगे,
ये दोनों को लेके हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला चीज हम सबस्ट्रैक्ट दे देते हैं। बट जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं है, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, बट ए का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, ये इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ए स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो कहाँ पे चले जाएगा, डायरेक्ट एल्स पे चले जाएगा, डायरेक्ट एल्स पे। तो एल्स पे मेरे पास और एक कंडीशन है, मेरा पास क्या कंडीशन है, हम देखना चाहते मेरा जो डी है, मेरा जो डी है डॉलर डी, ओ की ग्रेटर देन मतलब, और लेस देन, हम कहते क्या, लेस देन डॉलर ई है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब हम चाहते क्या, मेरा जो डी और ई का मल्टीप्लीकेशन करना चाहते, हम चाहते क्या डी और ई का मल्टीप्लीकेशन हो जाए। सो ये चीज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते, कंट्रोल भी कर लेते, हम चाहते कि ये जो चीज है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते। बट जब डी डॉलर डी दैट मीन्स डी का वैल्यू 4 है, 4 जब ई से ग्रेटर देन होगा तब क्या होगा, ये चीज सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम चाहते कि उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हम बस रिमाइंडर और क्वेश्चन जो है डिवाइड कर लेते। तो डिवाइड फाइन कर लेते, डिवाइड कैसे फाइन करेंगे, सो कंट्रोल बी करके इसका जो डिवीजन पार्ट है वो डिवीजन पर हम बार कर लेते, फाइन कर लेते। सो अब देख लेते आउटपुट क्या आएगा, हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, देखो मेरा आउटपुट दिखा रहा है 5, मेरा आउटपुट 5 दिखा रहा है, तो देख लेते क्यों 5 दिखा रहा है। देखो मेरे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम कॉमेंट कर रहे हैं, चीज जो है उसको हम कॉमेंट कर रहे हैं। देखो मेरा ए का वैल्यू है, मेरा ए का वैल्यू है क्या, मेरा ए का वैल्यू है 8, मेरा वैल्यू है 8, 8 ग्रेटर देन दिख रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट इवेलुएट हो रहा है, 8 ग्रेटर देन 5 ये स्टेटमेंट ट्रू है, 8 ग्रेटर देन 5 ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब ट्रू होगा तो क्या होगा, इफ के अंदर ये चले जाएगा, इफ के अंदर मतलब डॉलर बी सेक्शंस में चले जाएगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉलर बी क्या है, डॉलर बी 3 है, चेक कर लेते, 3 की इक्वल्स टू 5, 3 की इक्वल्स टू 5, 3 इक्वल्स टू 5 नहीं है, दैट मीन्स ये वाला जो सेक्शंस है ये रॉन्ग है, ये वाला सेक्शन रॉन्ग है, दैट मीन्स इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तब क्या जाएंगे, हम एल सेक्शंस में चले जाएंगे, एल सेक्शंस में, एल सेक्शंस में हम जाएंगे तो क्या आएगा, डॉलर ए और डॉलर बी का सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 3 क्या दिखा रहा है, 8, यहाँ पे 8 माइनस 3, देखो ए दिखा रहा है 8 और बी दिखा रहा है 3, सो 8 माइनस 3 क्या दिखा रहा है, 8 माइनस 3 दिखा रहा है 5, 8 माइनस 3 का रिजल्ट दिखा रहा है 5, देखो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है 5। सपोज हम डॉलर ए, इस डॉलर ए का वैल्यू थोड़ा कम कर ले, 3 कर ले, सो से 2 कर ले, 2 कर ले, तब क्या आउटपुट आएगा, देखो जब हम ये चार रहा, देखो 6 दिखा रहा है, 6 क्या, कैसे दिखा रहा है, पहले देखो हम दिखा रहे हैं मेरा जो ए का वैल्यू है राइट नाउ 2 है, सो देखो 2 ग्रेटर देन 5। हाँ विभू, স্যার কোর্টাল চ্যানেল একটু মে কপি করে একটু কমেন্ট দিয়ে দিন, আমি লিখতে পারি না তো গুলো প্রবলেম হচ্ছিল বলে। এ পুরোটা যাবে, কপি হবে আমি জানি না, কপি হবে কিনা আমি দিয়ে দিচ্ছি, কপি পেস্ট করে আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ চলে গেছে বিভু, চলে গেছে, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। सो चले जाते इस सेक्शंस में चले जाते, क्या मेरा जो ए का वैल्यू है राइट नाउ, मेरा ए का वैल्यू है 2, 2 ग्रेटर देन 5, ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस फॉल्स हो रहा है, ये मेरा कंडीशंस फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशंस फॉल्स हो रहा है, मतलब क्या, इफ के अंदर जो चीज है वो काम नहीं करेगा, डायरेक्ट हम एल्स में चले जाएंगे, ई एम में चले जाएंगे। सो एल्स में चले जाएंगे तो एल्स में भी एक कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, डॉलर डी, डी मतलब 4, मेरा 4, 4 लेस देन ई, 4 लेस देन ई दैट मीन्स 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या, मेरा जो मल्टीप्लीकेशन होगा 4 लेस देन ई, 4 लेस देन ई, यस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पे 6 दिखा रहा है, क्यों,
ये मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो रहा है, देखो तो एक बार, ये काम नहीं हो रहा है, ये a less than 5 ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये माइनस ग्रेटर देन, दैट मींस a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन 5 नहीं है, 2 ग्रेटर देन 5 नहीं है, दैट मींस इफ जाके एल्स में चले गए, एल्स में जाके बाद डॉलर d मतलब 4, 4 लेस देन lt, यस 4 लेस देन lt, lt 10 है, e 10 है, e 10 है, दैट मींस 4 लेस देन 10, ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद मेरा जो रिजल्ट दिखा रहा है वो मेरा ए बी का रिजल्ट दिखा रहा है, ए बी का रिजल्ट दिखा रहा है, देखो ए बी का रिजल्ट क्या है, ए बी का रिजल्ट दिखा रहा है, देखो ये ए मतलब क्या है, मेरा ए मतलब 2 है, बी मतलब क्या है 3 है, दैट मींस 3 × 2 = 6, सी में की दिखा रहा है, देखो सी में 6 दिखा रहा है, देखो सी में 6 दिखा रहा है, दिखा रहा है सी में 6 दिखा रहा है, बट हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते, हम डी का वैल्यू थोड़ा बढ़ा लेते, सपोज डी का वैल्यू हम 12 कर लेते, 12 कर लेते तो क्या आएगा, जब 12 करेंगे तो क्या आएगा, डी का वैल्यू यहाँ पे 12 दिखा रहा है, दैट मींस 12 लेस देन 10, ये कंडीशंस, ये वाला कंडीशंस फॉल्स होगा, ये वाला कंडीशंस जब फॉल्स होगा तब कहाँ पे आ जाएगा, ये एल्स वाला सेक्शंस में चले जाएगा, दैट मींस मेरा पहला वाला इफ भी फॉल्स दिखा रहा है, मेरा एल्स के अंदर जो इफ वाला सेक्शंस है वो भी फॉल्स दिखा रहा है, दैट मींस हम कहाँ पे चले आएंगे, हम चले आ जाएंगे एल्स पार्ट के, एल्स पार्ट पे क्या दिखा रहा है, ए डिवाइडेड बाय बी दिखा रहा है, दैट मींस मेरा रिजल्ट क्या दिखाएगा, देखो हम जब करेंगे 0 दिखा रहा है, क्यों, ए मतलब क्या है, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 3, दैट मींस हम 2 को डिवाइड करना चाहते हैं 3 से, दैट्स व्हाई रिमाइंड, दैट्स व्हाई मेरा जो कोशेंट है वो 0 दिखा रहा है, हम यहां पे रिमाइंडर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, हम यहाँ पे रिमाइंडर दिखाएंगे तो क्या आएगा, 2 दिखा रहा है, क्यों, ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है, यस मेरा जो वैल्यू आएगा, मेरा वैल्यू आएगा 2, क्यों आ रहा है, देखो दिखा रहा हूं, देखो क्यों आ रहा है, मेरा मैं चाहती हूँ क्या, मैं चाहती हूँ मेरा बी दैट मीन्स 3 को हम 2 से, 3 को हम 2 से डिवाइड करना चाहते, 2 से डिवाइड करना चाहते, हम नहीं कर रहे, 2 से डिवाइड करना चाहते, 2 से डिवाइड करना चाहते, देखो सो क्या आएगा, मेरा जो कोसेंट है, कोसेंट क्या आएगा, मेरा कोसेंट क्या आएगा, कोसेंट आएगा 0, और मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 2, मेरा रिमाइंडर आएगा 2, इसीलिए हम जब रिमाइंडर किए थे, जब हम भागशेष फाइंड करना चाहते तो 2 दिखा रहा है, देखो यहां पे 2 दिखा रहा है, यहां पे 2 दिखा रहा है, बट हम जब यहां पे मॉडुलस छोड़ के स्लैश कर रहे थे, दैट मींस हम कोसेंट देना चाहते, कोसेंट देना चाहते, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, मेरा जब ये इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, तब ये वाला एल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, जब यहाँ यह इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, ट्रू हो रहा है, तब हम इफ के अंदर कंडीशन चेक करेंगे, इफ के अंदर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, बट इफ बाहर वाला इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो डायरेक्ट एल्स में चले जाएंगे, उसके अंदर जो इफ है, इफ का कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसमें चले आएंगे, इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो यहाँ पे चले आएंगे, सो यहाँ पे जो चीज दिखा रहा है, मेरा जो वैल्यू है, मेरा वैल्यू दिखा रहा है ए, ए का वैल्यू है 2, 2 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स दिखा रहा है, ये कंडीशन फॉल्स मतलब इफ का पहला वाला कंडीशन फॉल्स है, हम एल्स में चले जाते, एल्स में भी दिखा रहा है डी का वैल्यू है 12, ई का वैल्यू है 10, ये दिखा रहा है 12 ग्रेटर देन 12 लेस देन 10, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, मतलब हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट जो रिजल्ट दिखा रहा है वो रिजल्ट ये है, दैट मीन्स हम कोई रोड पकड़ के जा रहा है, कोई मेरे पास एक जंक्शन आया, जंक्शन में दो रास्ता है, एक रास्ता यहाँ लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक रास्ता राइट साइड में जा रहा है, कौन सा रास्ता मैं जाऊँ उसके लिए पहले इस जंक्शन के ऊपर हमको कंडीशंस देना होगा, हमको डिसाइड करना होगा कौन सा रास्ता हम पकड़ो, जो कोई भी एक रास्ता तुम ले सकते हो, कोई भी रास्ता ले के बाद अगेन उसमें और एक कंडीशंस है, दैट मीन्स उसके अंदर और एक जंक्शन है, उस जंक्शन के
हिसाब से तुम तैयार करोगे, उसका लेफ्ट में जाओगे और उसका राइट में जाओगे। इसमें भी है, तुम इस राइट में पहला वाला जो राइट का रोड था उसमें भी एक जंक्शन है, तुम जंक्शन के ये इसमें डिसाइड करोगे उसके अंदर लेफ्ट में और राइट में जाओगे क्या। सो ये वाला जो चीज होता है रोड के अंदर, जंक्शन, जंक्शन के अंदर तुम डिसाइड करोगे कौन सा रोड में जाओगे, रोड में जाने के बाद और एक जंक्शन मिल गया। सो ये जो चीज होता है तुम डिसाइड करने का जो वे है वो डिफरेंट वे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वे मिल रहा है। सो ये चीज तुम कर सकते हो नेस्टेड इफ एल्स से। सो ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तुम कोई भी काम इस स्टेटमेंट को यूज करके कर सकते हो। सो कोई डाउट है तो बोलो। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते? फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे कोई एक चीज है फ्लोटिंग पॉइंट को देखने का, हम एक बार देख के बताएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नॉर्मली यहाँ पे नहीं यूज होता डायरेक्टली, ये फ्लोटिंग पॉइंट हम एक्सेल में, ये सॉरी सेल में डायरेक्टली यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो चीज आता है नॉर्मली कोई एक इंटीजर वैल्यू आता है और कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू आता है। क्योंकि हम सेल स्क्रिप्ट को जब यूज कर लेते तब कोई माने मेरा जो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर्स का को हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है। मेरे पास जो सिग्नल रिटर्न होता है कोई भी फंक्शंस के बाद जब सिग्नल रिटर्न होता है, आइदर कोई इंटीजर्स में रिटर्न होता है और कोई स्ट्रिंग में रिटर्न होता है। इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट का यूज ज्यादा यहाँ पे नहीं होता। इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट का जो सेल स्क्रिप्ट में नॉर्मली लेने हम नहीं ले सकते, कोई दूसरा ऑब्वियसली तो एक तरीका है, तरीका से हम ले पाएंगे। हम एक बार देख के बताएंगे कैसे फ्लोटिंग पॉइंट लेते हैं, बट उसका काम ज्यादा नहीं होता है। नॉर्मली काम होता है इंटीजर और स्ट्रिंग को लेके, क्योंकि सपोज हम चाहते कोई आईपी दो, आईपी जब देंगे हम वो तो स्ट्रिंग में ही जाएगा ना, और हम चाहते कोई भी एक सबनेट मास्क दो, और कोई भी एक सिग्नल जब आ रहा है तुम्हारा जो लॉग फाइल जेनरेट कर रहा है जो भी हो एक स्ट्रिंग हो, दैट मीन्स स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक इंटीजर रह सकता है। मेरा जो हिसाब है, मेरा जो सिस्टम्स है, कोई भी लिनक्स सिस्टम्स है, सिस्टम्स के अंदर हम इंटीजर और स्ट्रिंग से काम करते हैं। इसीलिए इसका जो एक्सेसिबिलिटी है इंटीजर और स्ट्रिंग का जो एक्सेसिबिलिटी है सेल स्क्रिप्ट में ज़्यादा इजी है, बट फ्लोटिंग पॉइंट को भी तुम यूज कर सकते हो। इसीलिए कोई एक्स्ट्रा कुछ पैरामीटर्स और कोई वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना होगा, हम देख लेंगे, देख के बताएंगे कैसे होगा। ओके मनीष। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? लेटर हम बोलेंगे, बट एक बार पहले हम देख लेते तुम लोग ये चीज बना पाते हो क्या नहीं। नॉर्मल एक छोटा चीज है, हम एक चेक करेंगे एक नंबर्स नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, हम कैसे चेक करेंगे, ये प्रोग्राम बना के दिखाओ। एक नंबर्स तुम नो कीबोर्ड से चेक करो, ये नंबर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके ये चीज करके मैंने पहले दिखाओ, हम देख लेते पहले जे ई फेल्स तुम्हारा आता है क्या नहीं, उसके बाद हम चले जाएंगे एलसीबी लैडर में। कोई भी एक करके प्रेजेंट करो स्क्रीन, कोई भी एक, मैं स्क्रीन मेरा स्टॉप कर रहा हूँ, तुम लोग कोई भी करके एक बार स्क्रीन को शेयर करो। স্যার জিরো সাউন্ডের কি কম্পেয়ার করে করবো পজিটিভ না নেগেটিভ? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম।
দেখো তো হচ্ছে কিনা আগে দেখো তো বিবু একবার, পসিবল কিনা একবার দেখো তো। तो हो गया। ओके स्क्रीन शेयर करो मनीष। ओके स्क्रीन स्टक हो गया है सर। स्क्रीन मेरा स्क्रीन प्रेजेंटेशन मैं मेरा प्रेजेंटेशन तो स्टॉप कर दिया मनीष, तुम शेयर करो हमारा स्क्रीन। तो जब जब मैंने शेयर पे क्लिक किया ना सर, सर सेलेक्ट किया स्क्रीन तो स्टक हो गया सर वहाँ पे पोजीशन पे। स्टार्ट हो मतलब गया मीट का सर कोई सब, हाँ तो मीट का सर कोई बग है सर, ये से पहले भी हुआ ये। था ये इससे पहले। हाँ, और एक बार ट्राई करो मनीष, और एक बार ट्राई करो। ओके सर। मेरा भी होता है। शहीद कर रहे हो शहीद? सर हाँ बीबू कंप्लीट। বলেছি স্যার জিরোর আগেও কি ডলার দিতে হবে? না না, জিরো ভ্যালু তো, ভ্যারিয়েবলের আগে ডলার দিতে হয়, ভ্যালুর ঠিক আগে কোনো ডলার দেবে না। কমেন্ট লাইন প্রবলেম ফাউন্ড। হচ্ছে? হ্যাঁ ওকে স্যার বিবু ঠিক, একবার চালাও, বিবু একবার চালাও, বিবু একবার চালাও, তাহলে একবার স্ক্রিনটা শেয়ার করো দেখি। হ্যাঁ স্যার স্যার বলছি। না এবার কি এসছে, নাম্বার ইজ নেগেটিভ, ও বোধহয় একটু ভুল হয়েছিল স্যার, তাও শেয়ার করছি স্যার, এবার ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ এসছে। স্যার দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ 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 ওকে ওকে। এক এক তুই এরও দিকার আছে, লাইন নাম্বার ফোর মে এরও দিকার আছে। ও বিভু তুমি একটা কাজ করো, যে ব্র্যাকেট গুলো দিয়েছো না, ব্র্যাকেট গুলো পড়াটা করে স্পেস দিয়ে দাও। এইখানে স্পেস, হ্যাঁ হ্যাঁ স্পেস দাও। ঠিক আছে ওকে। এখানে স্যার বি দিয়ে দেখি একবার, ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, এলটি দিয়েও করতে পারি, তাহলে জিরোটা আগে দিয়ে দিতে হবে, মানে যদি এলটি রে জিরো এলটি বি। হ্যাঁ 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 একদম ঠিক আছে। মনীষ স্যার ইন্টারেস্ট কমছে মানিস কিছু শেয়ার করতে পারেনি মানিস? তো মেরা মানে রিস্টার্ট কিয়া সব করাই এক ওকে মিনিট স্যার, মেরা হো গিয়া। ওকে ওকে। আর একটা জিনিস করে নাও তাহলে চট করে, আর একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম আমরা চেক করি, এরকম বেসিক প্রোগ্রাম এরকম সহজে সবাই করে। এটা আমরা চাতে কি কোই এক নাম্বার ইউজার সে লে লেতে, উসকে বাদ হাম চেক করে লেতে উসকা ও ইভিন হ্যায় ক্যা অড হ্যায়, হাম চেক করে লেতে ও ইভিন হ্যায় ক্যা অড হ্যায়, ও হাম ক্যাসে চেক করেঙ্গে, ও ছোটা স্যার ছোটা ওটা এক ছোটা। দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে, দিয়ে দেখতে হবে। হ্যাঁ দেখো দেখো ও করে দেখাও।
मॉड्यूलो करना पड़ेगा सर। हाँ मॉड्यूलो करना होगा। ओके बीबू करके हाँ दिखाओ, छोटा चीज है, छोटा छोटा चीज दिखो। उसके बाद ये चीज को हम यूज करेंगे मेरा सिस्टम में, कैसे सिस्टम यूज होगा वो थोड़ा प्रोग्रेस हो जाएगा तो पता चल जाएगा। बस सिंटैक्स को हम थोड़ा क्लियर तैयार कर रहे हैं, सिंटैक्स को थोड़ा फैमिलियर कर रहे हैं, इसलिए हम छोटा छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं। একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি স্যার, -10 এটা তো ইভেন তো? মাইনাস না, ইভেন আমরা পজিটিভ নাম্বারই জিজ্ঞাসা করি, নেগেটিভ নাম্বার ইভেন রাখি না আমরা, ওটাই মানে আমরা হ্যাঁ ওয়ান ওটাই টু থ্রি করছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, সুতরাং ওই চেকিংটাও রাখবে, মানে নেগেটিভ নাম্বারের চেকিংটাও রাখবে। যদি কেউ -10 দিয়ে দেয় তাহলে তোমাকে বলে দিতে হবে ওটা নেগেটিভ নাম্বার, আর যদি পজিটিভ নাম্বার দেয় তখন তুমি ইভেন অড রাখবে। ও ঠিক আছে, নেগেটিভ নাম্বারটা এখন বাদ দাও, কারণ তোমার এলসিডি ল্যাডারটা সেটাই নি তোমাদের। তুমি শুধু নেগেটিভ নাম্বার বাদ দাও, নরমালি পজিটিভ নাম্বারের রেসপেক্টে ইভেন ইভেন আর অডটা বার করো, ইভেন আর অডটা বার করো, চেক করো। হ্যাঁ তুমি কোডিং ইউজ কর সকতে হো, তোমারা লজিক তোমারা আপনা হ্যায়, মেরা আউটপুট চাহিয়ে, হমকো জাস্ট আউটপুট চাহিয়ে, ইয়ে আউটপুট হ্যায় ঠিক হ্যায়, লজিক হ্যায় ঠিক হ্যায়, তুমি কোই ভি লজিক ইউজ কর সকতে হো মানিশ, কোই হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই হ্যায়। হচ্ছে মানিস, মাসে হয়েছে আবার একটা ইয়ে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ দেখো চালু স্ক্রিন শেয়ার করো। আমি স্যার ওকে মানিস, হ্যাঁ বিভু স্টার্ট করো, আমি স্যার মানিস এখনো স্টার্ট করতে পারেনি, মনিস এখনো স্টার্ট করতে পারেনি, বিভু তুমি স্ক্রিনটা শেয়ার করো। আমার মানে হচ্ছে কিন্তু আবার একটা ইয়ে দেখাচ্ছে, মানে হ্যাঁ তুমি স্ক্রিন শেয়ার করো না, স্ক্রিন শেয়ার করো। স্যার শেয়ার হয়েছে? হুম শেয়ার হয়েছে। স্যার আচ্ছা কি করেছো, $A_2 ইকুয়ালস যদি 0 হয় এরর মডিউলোতে দেখাচ্ছে তাই তো? ওকে একটা কাজ করো, যে দুটো সিঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়েছো না, ফার্স্ট ব্র্যাকেট দুটো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দাও, দুটো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দাও। হ্যাঁ ওখানে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দাও আর বাইরে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দাও। হুম চলো নাম্বার 0 ডিভাইড টাইপ ওকে ঠিক আছে বিবু, ঠিক আছে ওকে। দুটো প্যাকেট স্যার, দুটো প্যাকেট কেন ভুলেছি, মানে একটা কেন, আমরা আমরা এরিথমেটিক অপারেশনে কি পড়েছিলাম, এরিথমেটিক অপারেশন আমরা দুটো প্যাকেটের মধ্যে প্লাস লিখছিলাম না, দুটো প্যাকেটের মধ্যে মাইনাস স্টার স্ল্যাশ লিখছিলাম না, তো মডিউলাসটা তো দুটো প্যাকেটের মধ্যেই হবে। আর তা না হলে ইএক্সপি আর এক্সপ্রেশন ইউজ করতে হবে, দুটো ওয়ে দেখিয়েছিলাম। আচ্ছা 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 হয়ে গেছে, হয়ে গেছে ওকে। তাহলে মানিস একবার দেখাও, জয়েন বাকিরা কিন্তু কেউ করছে না, মনিস করছে বিভু করছে, বাকিরা কিন্তু কেউ করছে না, আমাকে দেখাচ্ছে না জিনিসপত্র। আমি আর নেক্সট উইক থেকে কিন্তু এই সেলস স্ক্রিপ্টের অ্যাসাইনমেন্ট দেবো,
করতে হবে, করে আমাকে দেখাতে হবে। মানিস দেখাও। ভেরি গুড। হ্যাঁ স্যার, আমিও এইরকম একটা প্রোগ্রাম, এটা মানে জেনারেল প্রোগ্রাম হয়েছে, আমি যেটা লিখেছি এ দিয়ে বি হ্যাঁ, দিয়ে চেক করতে হচ্ছে, এটা একটা জেনারেল প্রোগ্রাম। তো তুমি যেটা করছো বিভু, আমাদের ওই অনলাইন এডিটরটায় ওটা সাপোর্ট করছে না রিড, বুঝলে তো? ওটা রিড সাপোর্ট করে না, আমি তো করেও দেখি না। আমি আমি একবার করে দেখো তো, সাপোর্ট করেনি আমার ক্ষেত্রে, করেনি। তুমি একবার করে দেখতে পারো, আমার নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য হতেও পারে। এবার যদি করে তাহলে এইভাবে জেনারেল প্রোগ্রাম করে দেবে, ইজি তো, আমরা শিখে গেছি তো, ইকো রিড এগুলো তো শিখে গেছি আমরা। ইয়েস 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 ইয়েস, ওকে ঠিক হ্যায়। সো হাম লোক নেক্সট উইক মে এলসিফ ল্যাডার আয়েঙ্গে, উসকে বাদ জো লুপ বালা স্টেটমেন্ট হ্যায়, লুপ বালা চিজ, দ্যাট মিন্স হাম এক চিজ কো রিপিটেডলি কাম করানা চাহতে তো ক্যাসে করেঙ্গে, ও চিজ হাম দিখেঙ্গে। উসকে বাদ ধীরে ধীরে থোড়া অ্যারে পার্ট মে আয়ে যায়েঙ্গে, উসকে বাদ কমান্ডস কো হাম ক্যাসে ইউজ করেঙ্গে স্ক্রিপ্টিং মে, ও চিজ করেঙ্গে, ও মেন চিজ হ্যায়, ও মেন চিজ হামকো করেঙ্গে। হাম ক্যাসে ইউজার ক্রিয়েট করেঙ্গে, হাম ক্যাসে কোই ফাইল কা ফাইল কাজ ডেটা হ্যায়, উস ফাইল কা ডেটা কো হাম ক্যাসে স্টোর কর পায়েঙ্গে, ক্যাসে হাম কোই স্ক্রিপ্টিং কে ইউজ সে হাম কোই ভি এক ফাইল কো রিনেম ক্যাসে করেঙ্গে, ফাইল কা কপি ক্যাসে করেঙ্গে, মুভ ক্যাসে করেঙ্গে, ও ভি হাম দেখেঙ্গে স্ক্রিপ্টিং কে ইউজ সে। ঠিক হ্যায়, সো আজ ইয়াহাঁ পে স্টপ করা লেতে, নেক্সট উইক মে হাম এলসিফ ল্যাডার ওয়ালা চিজ আর লুপ ওয়ালা জো সেকশনস হ্যায় স্টার্ট করেঙ্গে। সো থোড়া পড়তে রাখো, থোড়া প্র্যাকটিস করতে রাখো। বিভু আর মনীষ কর রা হ্যায়, বাট তুম লোক নেই কর রা হো ঠিক তরিকে সে, বাট করো, জো জো প্রবলেমস হ্যায় হামকো বাতাও, ইয়ে প্রবলেমস হ্যায়, ক্যুঁকি নেক্সট উইক অর নেক্সট উইক মে সে ইয়ে জো স্ক্রিপ্টিং হ্যায়, স্ক্রিপ্টিং কা অ্যাসাইনমেন্ট আনে ওয়ালা হ্যায়, অ্যাসাইনমেন্ট করনা হোগা। ঠিক হ্যায়,